प्यारे दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में जो जो हमने सीखा है। प्रभु श्री राम के जीवन समुद्र की तरह है, तो चलिए इसमें गोटा हम लगाते हैं। हम अकेले नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ है गरिमा जी। गरिमा जी, जय श्री राम। जय श्री राम रितेश जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और आप? बहुत ही बढ़िया। आप लोगों को बताएंगे कि गरिमा जी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की एक छात्रा है, और आज हम देखने वाले है कि एक युवती के जीवन में राम का क्या महत्व है। राम की कथा, राम के बारे में आपको मौका मिला है सुनने के लिए? जी बिल्कुल, बचपन से ही मेरी दादी ने मुझे रामायण की कथाएं सुनाई है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है, जहां पर YouTube पर कई सारे वीडियोस हैं और पॉडकास्ट भी हैं, जिससे हमें जानकारी प्राप्त मिलती है। बहुत ही सुंदर है। जैसे कि आप जानते हैं कि नौजवान जो है टेक्नोलॉजी को लेकर मतलब पीछे नहीं रहते हैं, चाहे धार्मिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, साथ साथ चलना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ। और चैत्र मास की शुरुआत से लेकर नवमी तिथि तक हम राम नवमी मनाते हैं, अर्थात घर में, बैठकाओं में, मंदिरों में कलश की स्थापना होती है, सत्संग होता है और राम के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। राम का जीवन समुद्र की तरह है, सागर की तरह है। चलिए हम गोता लगाते हैं और राम के जीवन के उस अवस्था के बारे में जानते हैं जब वे बाल स्वरूप मतलब बाल की लीलाएं कर रहे थे, बाल्यावस्था। आपको मौका मिला है राम की बाल्यावस्था से प्रेरित होने का, किस तरह से हमें बताइए। जी, मैंने सुना है कि राम जी जो थे वे बचपन से ही बहुत ही दयालु रहे हैं, चाहे कपड़े हो या फिर खिलौने, उन्होंने हमेशा से ही अपने भाइयों के साथ मिलकर बांटा है। तो हमें ये सीख मिलती है कि शेयरिंग इज केयरिंग एंड बांटना ही हम सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है। बहुत ही सुंदर, शेयरिंग इज केयरिंग। राम के जीवन में और भाई है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जो भी कुछ उनको प्राप्त होता था अपने भाइयों के साथ बांटता था। और एक बहुत ही जरूरी बात, प्रातः काल उठी के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावहि माता, मतलब जैसे उठते थे गुरु के चरण, माता पिता के चरण, ये है रिस्पेक्ट, ये है आदर। तो चलिए और जानकारी प्राप्त करते हैं राम की बाल्यावस्था के बारे में इस वीडियो में। श्री राम जी के बाल्य अवस्था अथवा ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान हमें ऐसे कई बहुमूल्य रत्न मिलते हैं जिससे हमें जीवन की कला और नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है, खासकर हमारे युवा पीढ़ी के लिए। सर्वप्रथम मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि श्री राम एक आदर्श पुत्र और आदर्श विद्यार्थी के रूप में दर्शाए गए हैं। आदर्श पुत्र और आदर्श विद्यार्थी, क्योंकि उनमें अपने माता पिता और गुरुजनों के लिए अत्यधिक सम्मान, सेवा, समर्पण, कर्तव्य और आदर्श की भावना है। कठिन से कठिन स्थितियों में भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। युवा के लिए यह एक सीख है कि कर्तव्य का पालन ही परम भक्ति है। दूसरी बात, श्री राम को हम सर्वगुण संपन्न और कौशलों में निपुण कहते हैं। कब एक मनुष्य सर्वगुण संपन्न और कौशलों में निपुण कहा जा सकता है? जब उसमें निष्ठा, त्याग और आत्मसमर्पण की भावना हो, तभी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जब वे विद्यार्थी थे उन्होंने सिर्फ धर्मशास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया, किंतु उन्होंने अर्थशास्त्र, मोक्षशास्त्र, राजनीति और धनुर्विद्या जैसे कौशलों में निपुणता प्राप्त की। उनका जो सोचने का होराइजन ऑफ थॉट था वो सीमित नहीं था बल्कि विस्तृत था। आजकल जब हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है इनको क्रिएटिव माइंडेड होना चाहिए, इनोवेटर्स बनना चाहिए, इनमें मल्टी स्किल्स होने चाहिए, मल्टी लेयर्ड, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। तो देखिए त्रेता युग के श्री राम और आज की आधुनिकता कितने एडवांस थे, आज भी शाश्वत हैं, आज भी वो हमारे रोल मॉडल की तरह हैं।
तीसरी बात जो मैं जोड़ना चाहूँगी कि श्री राम दया की मूर्ति और करुणा का सागर के जैसे कहे जाते हैं। महात्मा गांधी जी का एक फेवरेट भजन है, कुछ उनके बोल कुछ ऐसे हैं, वैष्णव जंतु तेने कहिए जी पीर पराए जाने रे। अर्थात वह मनुष्य ही कैसा मनुष्य है जो दूसरों की पीड़ा को समझे नहीं, जो दूसरों के प्रति सद्भावना न बनाए। तो रामचरितमानस में ऐसी कितनी कथाएं आई हैं जहां पर श्री राम ने सिर्फ मनुष्य के प्रति ही करुणा, सद्भावना और पीड़ा व्यक्त नहीं किया, उनके कोमल हृदय पशु पक्षी और जो प्रकृति हैं उसके उस वहाँ तक भी पहुँचे। तो आजकल हम बात करते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न की, इकोलॉजिकल अवेयरनेस की, एनिमल राइट्स की। आप फिर सोचिए रामचरितमानस में भगवान श्री राम जो हैं वो हमारे लिए कितने विजनरी हैं और हमें कितना कुछ ज्ञान के रूप में देते हैं जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जल्दी से अंततः मैं यह जोड़ना चाहूँगी कि श्री राम राजकुमार होते हुए भी बहुत सरल, साधारण और विनम्र जीवन व्यतीत करते थे। सिंप्लिसिटी, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, इस भौतिकता के माया जाल से अगर हम अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं तो श्री राम जी के कुछ गुणों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। कवि तुलसीदास हमें प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं कि एक दो गुण जब हम श्री राम जी का लें तो अपने जीवन को निश्चित रह सफल बनाएंगे। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। परमात्मा अवतरित होते हैं हम मनुष्यों को सीख देने के लिए कि हे मनुष्य, देख मैं भी लीला कर रहा हूँ, तू भी कर, मैं भी दुख झेल रहा हूँ, तू भी दुख झेल। भाई किसको पसंद आएगा कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिले, प्रभु को मिला था और बहुत सारी सीख मिलती है उनके जीवन से। एक बार फिर से गरिमा जी, बाल्यावस्था के बारे में हमने बात की, अब युवावस्था से आप किस तरह से प्रेरित होती? मेरे ख्याल से राम जी और आज के यूथ में दो सिमिलैरिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली जो मैं देखती हूँ कि राम जी जो थे वे बहुत ही अपने धर्म को फॉलो करते थे, एंड आजकल के यूथ भी अपने धर्म को महत्व दे रहे हैं और वे सोशल मीडिया पर अपनी संस्कृति जो है वे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये है पहली बात। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से राम जी जो थे, मतलब जो सच है, राम जी वो बहुत ही अच्छे लीडर थे, एंड मुझे लगता है कि आजकल के यूथ में भी वो जो लीडरशिप क्वालिटी जो है ना वो है, हम सब में वो है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो या फिर एक कम्युनिटी में हो, वो जो लीड करने की जो क्वालिटी है वो हम सब में है। तो ये बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। चाहे राम हो या फिर कृष्ण हो, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिले, जैसे गरिमा जी ने कहा कि लीडरशिप स्किल। देखिए दो सिमिलैरिटीज है, तुलना कर सकती है राम के जीवन के बारे में। राम जब लंका पर प्रहार करने वाले हैं तो वे आगे चलकर वानरों की सेना को पीछे रख कर कि देख रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो मैं चल रहा हूं तू भी चल। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, वे पीछे रहते हैं और सभी लोगों को आगे रखते हैं, मैं पीछे हूं चिंता मत कर, आगे बढ़ मैं पीछे हूं। तो लीडरशिप क्वालिटी यह बताती है कि आप किस पोजीशन में है, कहां पे खड़े हैं, ये मान्यता नहीं रखती, बल्कि आप में क्वालिटी, आप में गुण कैसा है, किस तरह से आप लोगों को प्रेरित करेंगे, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए राम जी के जीवन से और जानकारियां प्राप्त करते हैं इस वीडियो में। आज के जीवन में, हमारे आधुनिक जीवन में खासकर, हम देखते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं श्री राम जी के प्रति उनकी काफ़ी भावना है और खासकर जो उनके सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए उनके लिए
श्री राम जी एक रोल मॉडल हैं। सामान्य रूप में देखा जाए तो हमारे नौजवान दो चीज़ों का अमल करते हैं, एक तो अनुसरण और दूसरा अनुकरण। अनुसरण यानी कि किसी के सिद्धांतों पर चलना, उनको फॉलो करना, और अनुकरण जो है वे हैं किसी को कॉपी करना, यानी कि जैसे उनका व्यवहार है, उनकी जो बिहेवियर है उनको कॉपी करना। तो इसी दो चीज़ों को लेकर हम कहना चाहेंगे कि आज के नौजवानों को श्री राम जी के जो सिद्धांत हैं उनका अनुसरण ज़रूर करना चाहिए, खासकर जब वे अपने युवावस्था में थे, यानी कि अपने एडोलेसेंस में थे, टीनहुड में थे। आप देखेंगे कि जब वे गुरुकुल में थे, गुरु वशिष्ठ के प्रति उनका आदर हमेशा एक ही तरह था, यानी कि सम्मान जो है बड़ों के प्रति, गुरुजनों के प्रति उनका हमेशा एक ही तरह थी। एक दूसरा जो सिद्धांत है हम देखेंगे कि डिसिप्लिन, अनुशासन। आपको पता है कि गुरुकुल में जो जीवन व्यतीत होता है ब्रह्मचारियों के लिए वे एकदम अनुशासित जीवन होता है, यानी कि किस समय पर उठना, कब पूजा पाठ करना, कब पढ़ना चाहिए, कैसे व्यवहार होनी चाहिए, ये सब हमें सीख मिलती है गुरु के गुरुकुल में। और आप देखेंगे श्री राम जी वे एक अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे, चाहे वे गुरुकुल में थे या फिर अपने राज्य में थे। तो मैं बस यही कहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं, खासकर जो ये अनुशासन का सिद्धांत है उसको उनका अमल करना चाहिए, खासकर हमारे नौजवानों के लिए। जब भी आप मित्रता बनाते हैं किसी से तो उसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अनुकरण की बात करें तो राम जी के जीवन से नौजवानों को खासकर क्या कॉपी करना चाहिए। आप देखेंगे कि श्री राम जी जब वे जवान थे, ऐसे कई बार उन्होंने जंगलों में जाकर ऋषि विश्वामित्र के साथ असुरों का संहार किया। जी हाँ, वे जवान थे, एडोलेसेंट थे, लेकिन फिर भी उनमें वो दृढ़ता थी, उनमें वो करेज था। जैसे उन्होंने जाकर जंगलों में असुरों का संहार किया, मैं कहूँगा कि आज के नौजवानों के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है। आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप राम जी के फुटस्टेप्स को कॉपी कीजिए। आप जंगलों में नहीं बल्कि आप समाज में जाकर समाज के बुराइयों को आप मिटाइए। आप देखेंगे कि हमारे नौजवानों को समाज को इन बुराइयों से दूर रखना चाहिए। तो कॉपी करना है तो आप ये इसका अनुकरण कीजिए। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आप देखेंगे कि श्री राम जी के परम मित्र एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा कैरेक्टर है रामायण में जो गुह के नाम से प्रचलित थे। गुह एक निषाद जनजाति के समूह के राजा थे। एक तरफ आप देखेंगे कि श्री राम जी के जो परम मित्र थे वे निषाद जनजाति से थे, और उधर श्री राम जी खुद एक राजकुमार थे। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, खासकर हमारे नौजवानों को क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि हमें सभी भेदभाव को दूर करना चाहिए। हमारा जो मित्रता है वो कहते हैं ना, सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। मित्रता जो है वो प्रेम की भावना है। अगर आप किसी को मित्र समझते हैं तो मित्रता निभानी होगी, चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस में उनको आप निभाइएगा ज़रूर। आप देखेंगे कि निषाद राज कहते हैं ना कि एक काफ़ी मशहूर कहावत है, ए फ्रेंड इन डीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। इसका प्रतीक खुद निषाद राज है। जब श्री राम वनवास के लिए निकल पड़ते हैं तो गुह यानी कि निषाद राज उनकी मदद करने के लिए आते हैं। तो ये सीख मिलती है खासकर हमारे नौजवानों के लिए कि जब भी आप मित्रता बनाते हैं किसी से
तो उसमें भेदभाव नहीं होने चाहिए। रामाय राम भद्राय रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे ऋषि मुनि लोग संत लोग कहते हैं आजकल का जो जमाना है कलयुग का जमाना है। मतलब ऊंच नीच तो होती रहती है, परिवार को देखेंगे तो मतभेद तो होता ही होगा, लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन में मतभेद भी था, ऊंच नीच थी, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति को किस तरह से संभाला है ये हम वाल्मीकि के रामायण में देखने को मिलता है और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी देखने को मिलता है। चलिए एक बार फिर से गरिमा की आवाज, गरिमा की मत से हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से प्रेरित होती है राम परिवार से। ये बात छिपी नहीं है कि राम जी बचपन से ही वे आज्ञाकारी रहे हैं, और जब वे बड़े हुए, जब राजा दशरथ जी ने उन्हें बोला कि उन्हें वनवास जाना पड़ेगा, तो उन्होंने चुपचाप से गए, उन्होंने बहस नहीं किया। तो हम इससे सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने माता पिता का की बात सुननी पड़ेगी। बहुत ही सुंदर। यहाँ पे गरिमा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपने बहुत ही अच्छी तरह से कहा कि उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, चुपचाप चले गए 14 वर्ष, एक नहीं दो दिन नहीं 14 वर्ष, वो भी राजकुमार महल छोड़कर, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल में डर डर भटक। तो क्या राम उस समय उस वक्त आवाज नहीं उठा सकता था, उसके खिलाफ नहीं बोझ, अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ, लेकिन वह आवाज नहीं उठा सकता था, ऐसा क्यों उन्होंने नहीं किया? क्योंकि कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बहुत ही सुंदर। यहाँ पे नौजवानों को हम यह बताना चाहेंगे, जैसे गरिमा जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब यहाँ पे उनके पिता नहीं, राजा दशरथ ने एक वचन दिया, और राजा दशरथ के सामने सारी प्रजाएं हैं, और प्रजाओं के सामने भगवान श्री राम के पिता का नाक नहीं काटना चाहिए, उसका सर नहीं झुकना चाहिए, इसीलिए चुपचाप सहकर वह वनवास के लिए चले गए। यह सीख मिलती है नौजवानों कि चाहे कुछ भी हो, आप अपनी माता पिता का सर नहीं झुकाना चाहिए, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। सीख मिलती है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। पुरुषोत्तम तो वो हैं ही, क्योंकि शास्त्र के अनुसार वे विष्णु के अवतार हैं, और जिस तरह उसने अपने मनुष्य जीवन का उतारण किया, हमें बहुत शिक्षा मिलती है। परिवार के रूप में अगर हम देखेंगे तो श्री राम जी हमें बताते हैं कि घर परिवार गृहस्थी किस तरह से चलाना चाहिए। शुरुआत से लेंगे तो विद्यार्थी के रूप में उसने अपने गुरुकुल में अपने शिक्षा इस तरह से प्राप्त किए कि हमें सीखना चाहिए कि आज के आधुनिक बच्चों को किस तरह से विद्या प्राप्त करनी चाहिए। अपने स्कूल का जो जो जगह है, जो अध्यापक हैं, किस तरह से उसका सम्मान करना चाहिए, ये सब श्री राम के जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। गृहस्थी के रूप में जब हम आएंगे तो वो देख सकते हैं कि किस तरह से वो अच्छे पति बने, अच्छे भाई बने, अच्छे बेटे बने, राजा का पालन किया, और ये सब धर्म का पालन करते करते वे खुद धार्मिक बन गए, और इससे हमें बहुत सारे ज्ञान मिलती हैं। हम जी रहे हैं कलयुग के जो संसार हैं,
जो परिवार को हम ढूंढ रहे हैं उसे हमें रामायण के पाठ से मिलेगी। जब देखेंगे, जब श्री राम जी ये बूंद मिले कई कई के बात से कि उसे जाना चाहिए वनवास में, तो उसने चुपचाप बिना कुछ बोले पिता का पालन किया। आधुनिक जीवन में हमें ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके बोल ऊपर हैं तो कहेंगे नहीं, मैं क्यों जाऊंगी, ये मेरा घर है, ये मुझे ऐसे करने चाहिए, मैं आपका बेटा हूँ, आपको मुझे ये सब करना चाहिए, ये सब देना चाहिए। मगर श्री राम इतने बड़े राजा के बेटे, इतने बड़े ज्ञानी, मगर फिर भी वो कितनी अच्छी तरह से उसने पालन किया। हालांकि कई कई माँ उसकी अपनी माँ नहीं थी, वो बोल सकती थी कि आप मेरी अपनी माँ नहीं है, मुझे इसका पालन नहीं करना चाहिए, मगर उसने चुपचाप सह लिया। और क्यों किया? क्योंकि इसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, जो बहुत से कम लोगों में है। देखिए, जीवन में हमें बहुत से उतार होती हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर ये ऐसे ऐसे अच्छे गुण होते हैं। बहुत से लोग हैं जो हमें बहुत कुछ बोल भी देते हैं बिना कुछ सोचे, या कभी कभी तो जान मुझ कर कहते हैं, मगर जब अच्छे ज्ञानी होते हैं, धार्मिक होते हैं, जब दिल से अच्छे होते हैं, तो हम माफ़ भी कर देते हैं। तो ये सब गुण बहुत अच्छे हैं। अगर हम परिवार को इकट्ठा देखना चाहते हैं तो कभी कभी मुंह को भी बंद रखना चाहिए। हम सह सकते हैं वो दुख, मगर बीच में अगर हम भगवान को अपने दिल से मानते हैं तो वो भगवान हमें ज़रूर मदद करेंगे। कभी कभी हम बहुत अच्छे करते हैं मगर उसके पीछे हमें बहुत दर्द मिलते हैं, और कहते हैं कि हम इतने अच्छे करते हैं मगर फिर भी हमें दर्द मिल रहे हैं। तो हमें इसे टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और हमारे अच्छाइयों को कहीं ना कहीं वो उसे स्टोर कर रहे हैं, और इसका परिणाम हमें मिलेगी। श्री राम जी के रूप में हम लेंगे, जब पति के रूप में देखेंगे, तो जब उसे पता चला कि प्रजा जो लोग हैं खुश नहीं हैं क्योंकि सीता मैया यहाँ पर आए हैं, उन लोगों ने बहुत बुरा भला कहा सीता के बारे में, मगर उसे दुख हुआ क्योंकि वो अपने पत्नी को सभी से ज़्यादा जानते हैं। मगर वो नहीं चाहते थे कि सीता माँ को ये पता चले कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। उसे बिना कुछ बोले उसने उसे भी खुद वहाँ से वनवास के लिए भेज दिया। इसके पीछे भी बहुत सारे लीलाएँ हैं जो माता सीता ने उसे मांग गए थे कि वो जंगल का वातावरण उसे बहुत अच्छा लगता है, और कब की अगर उसे मौका मिलेगा तो वो वहीं पर आएंगे, अगर जब गर्भवती रहेंगे तो उसी वातावरण में रहेंगे। तो ये सब बातें सोचकर हमें सोचना चाहिए कि कहाँ पर कुछ गलती हो रही है हमारे जीवन में, और रामायण का जो पाठ है, श्री राम का जो लीलाएं हैं, हमें सिखाते हैं कि परिवार किस तरह से होनी चाहिए। या तो आप भाई हैं, या पिता हैं, या बहन हैं, या भाभी हैं, या सास भी हैं, या कोई भी हैं, अपने धर्म का पालन अच्छी तरह से करिए, ताकि हमारे जीवन जो अवतरित हुए थे, लीला कर रहे थे प्रभु श्री राम मनुष्य के रूप में, जब माता सीता लंका चली गई, मतलब उसका हरण हुआ, तब डर डर भटक कर भगवान श्री राम रो रहे थे। अगर हम गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि उनको देखकर भगवान शिव शंकर उन्होंने दोनों हाथों को उठाकर कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन। वहां पर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप तो देवों के देव महादेव है, फिर भी एक राजकुमार, एक राजा को देखकर आपने दोनों हाथों को उठा दिया, क्यों? उस पर शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये साधारण राजकुमार नहीं है, साधारण महल वाले नहीं है, बल्कि स्वयं ब्रह्म है, अर्थात राम भगवान भी थे। गरीबान, राम की बाल्यावस्था, राम की युवावस्था और राम परिवार से हमने सीख प्राप्त कर ली। अब
भगवान श्री राम जो भगवान है उनसे आप किस तरह से प्रेरित हुए? राम जी भगवान थे और साथ ही वे पुरुषोत्तम भी थे। मेरा ये मानना है कि जब राम जी ने रावण का वध किया तो उसके बाद वे आसानी से लंका को टेक ओवर कर सकते थे क्योंकि वे भगवान थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड उन्होंने सोचा कि वो अयोध्या फिर से जाएंगे, लौटेंगे और वहाँ पर वे अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। एंड आजकल अगर हम देखते हैं सोसाइटी में एक इशू चल रही है और वो है ब्रेन ड्रेन की। कई लोग हैं जो देश छोड़कर जा रहे हैं, अपने अपने रीजंस होंगे, लेकिन राम जी से हम ये सीखते हैं कि अपने लोगों के साथ रहना, अपने लोगों के हित के लिए काम करना, ये कुछ और ही है। इसमें एक अलग ही खुशी होती है। बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही गहरा विचार है कि बहुत सारे हमारे नौजवान लोग ठीक है विदेश जाते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं के हो जाते हैं, लेकिन जिस भूमि में उनका जन्म हुआ है उनका क्या? यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि देश की सेवा करने जाए औसम नुआवाओं से। राम जी भी कहते हैं, राम जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया था, गरिमा जी ने कहा कि बहुत ही आसानी से वह लंका पर राज कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, विभीषण को सौंपा और वापस अयोध्या चले गए। क्यों? जिसका हक है उसको देना चाहिए और उनका कर्तव्य है कि वापस अयोध्या लौटना और वहां का राज काज संभालना, क्योंकि वहां पे उनके भाई भरत उनका उनकी प्रतीक्षा कर रहे, उनका इंतजार कर रहे थे। भाई के प्रति प्रेम, प्रजाओं के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, भक्त के प्रति प्रेम, ये हम भगवान श्री राम से सीखते हैं। चलिए भगवान श्री राम के बारे में और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं इस वीडियो में। मैं महर्षि वाल्मीकि को नमन करता हूँ जो एक कोकिल पक्षी के जैसे कविता के वृक्ष के सबसे ऊंचे शाखा पर बैठकर राम राम का मधुर स्वर में गान कर रहा है। वो वाल्मीकि जो कविता के वन में एक सिंह के समान रामनाद राम कथा का दहार किया और जिसको सुनकर कौन परामगति प्राप्त नहीं कर सकता। परामगति का मतलब है मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग, निर्वाण। ये एक अवस्था है जिसमें मनुष्य तीनों दुखों से, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक से वंचित होता है और परम शांति, परम आनंद का प्राप्त करता है। इस अवस्था में वो पुनर्जन्म से, जन्म का जो साइकिल है, जो चक्कर है, उससे वो मुक्त हो जाता है। ये तीन दुख और पुनर्जन्म, एक शब्द में उसको संसार कहा गया है। और इस संसार से मुक्ति पाने के लिए युगों से हमारे ऋषि मुनि इस एक मार्ग की अध्ययन कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस मार्गदर्शन, इस मार्ग के अध्ययन में महर्षि वाल्मीकि का बहुत महायोगदान है। उन्होंने ये ज्ञान पाया है कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमको तीन और पुरुषार्थों को पाना है। उसमें है धर्म, अर्थ और काम। तो ये चार पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए उसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष के अर्थ, उसका, उसके अस्तित्व का प्रयोजन। धर्म है प्रथम पुरुषार्थ और मोक्ष है परम पुरुषार्थ। और इन दोनों के बीच में है अर्थ यानी धन की प्राप्ति और काम यानी इंद्रियों का आस्वादन। लेकिन अगर हम धर्म की पालन नहीं करेंगे तो, और अधार्मिक साधनों के द्वारा हम काम और धन, अर्थ का आस्वादन करें,
तो हमको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको जो ज्ञान चाहिए, ये हमारे वैदिक धर्म और वेदांतिक दर्शन में दिया गया है। लेकिन ये सब की बस की बात नहीं है कि वो इस अध्ययन पर चल सके। इसी कारण महर्षि वाल्मीकि ने अध्ययन किया और अपने आँखों देखी साक्षी भाव से भगवान श्री राम के जीवन को वर्णन किया। भगवान श्री राम चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए एक संदेश है। कैसे हम ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? धर्म के द्वारा अर्थ और काम को पाकर और मोक्ष पाएंगे। भगवान श्री राम परब्रह्म का एक अवतार है। अवतार का मतलब उतरना। तो परब्रह्म जो परमात्मा है, वो संसार में हम सब के बीच अवतरित होते हैं और हमको ये दिखाते हैं कि कैसे हम धर्म को पालन करते हुए और सत्य को धारण करते हुए, अर्थ काम को पाते हुए और त्यागते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करें। ध्याये दा जानु बाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था। आज का कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानप्रद था। हम अकेले नहीं थे बल्कि गरिमा जी जैसी युवती थी जिन्होंने अपने विचार बांटे, साझा किया हमारे साथ। गरिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत तक तो आ गए, लेकिन जाने से पहले जो हमारे युवक हमें देख रहे हैं अभी, उनसे आप दो शब्द कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा धर्म बहुत ही साइंटिफिक है एंड मुझे लगता है हम सभी को एक समय निकालना पड़ेगा और इसके पीछे जो साइंस है उन्हें ढूंढना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर है। वैसे नौजवानों का विचार बहुत ही नेक है कि हमारा धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, इसके पीछे जो साइंस छुपा हुआ है उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको ढूंढ कर हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। देखिए, जानकारी एक अवस्था है, लेकिन जानकारी के नीचे जो व्यवहार है उसको उस तक पहुँचना चाहिए, उन तक उतारना चाहिए, तब जाके उसका असर होता है, नहीं तो नहीं होता है। गरिमा जी, आप आए हमारे कार्यक्रम में, कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं। इन सभी जानकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।